1993 मुंबई बॉम्बस्फोटातला आरोपी याकूब मेमन याच्या कबरीचा एक फोटो सध्या सोशल मीडियावरती व्हायरल होतोय. या फोटो याकूब मेमनच्या कबरीवर मार्बल आणि रोषणाई करून सजावट करण्यात आली आहे. हा फोटो समोर आल्यानंतर महाराष्ट्रातलं राजकीय वातावरण गरम झालंय. दहशतवादी कारवाईत गुंतलेल्या याकूब मेमनचं उदात्तीकरण केलं जातंय का असा प्रश्न विचारला जातोय. नक्की काय घडलंय आणि काय आहे प्रकरण जाणून घेऊ पुढच्या काही मिनिटांमध्ये. मुंबईतल्या मरीन लाईन्स रेल्वे स्टेशनच्या समोर असलेल्या 7 एकरच्या बडा कब्रस्तान या कब्रिस्तानात 5 वर्षापूर्वी याकूब मेमन याचं दफन करण्यात आलं होतं. जिथं याकूब मेमनचं दफन करण्यात आलं त्या ठिकाणच्या ओट्याला संगमरवरी करण्यात आले, त्यावर LED लाईटही लावण्यात आले. या प्रकरणात नेमकं काय घडलं याची माहिती जेव्हा कब्रस्तानाच्या कर्मचाऱ्यांकडनं घेतली तेव्हा त्यांनी सजावट केल्याचा आरोप फेटाळून लावला. कब्रस्तानात अनेक लोक आपल्या नातेवाईकांसाठी जागा खरेदी करून ठेवतात, तशीच याकूब मेमनच्या कुटुंबियांनी ही जागा खूप आधी खरेदी केली होती अशी माहिती त्यांनी दिली. याकूब मेमन को जहां दफनाया गया था उस जगह की कई सारे लाइट्स लगे हैं, लाइटिंग लगी है, क्या मामला है ये? ये तो पुरानी सारी तस्वीर है और कब्रस्तान की जो टाइमिंग रहती है शाम में जब लाइट शुरू होती है तो टाइमिंग के मुताबिक वो लाइट चलती है और टाइमिंग के हिसाब से बंद हो जाती है. ये किसी की शक अंगेजी है और कुछ नहीं. इसे लेकर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि याकूब मेमन की इस खबर को क्या मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है. यहाँ पर मार्बल लगाया गया कहीं तक के दूर दूर तक के नजर नहीं आता, क्योंकि और भी कई मजारात आप लोगों ने देखे और अगर बनना होती तो ये कई साल हो चुके इसको बुरियल करके, ये उसी वक्त बन सकती थी. ये जो अलग अलग तरह से कई कब्र देखा है जिसमें पूरी तरह से मार्बल लगाया गया है, अलग अलग तरीके से लोग घेरते हैं, ये किस टाइप का ये कब्र होती है या किसी का कुछ पर्सनल होता है? डिपेंड है अपनी अपनी फैमिली से, जिन लोगों को ज्यादा लगाव रहता है तो वो लोग अपनी आस्था के हिसाब से आकर डिमांड करते ट्रस्ट से कि भाई हमको परमिशन दो, और ये पुरानी परमिशन दी हुई, आजकल की परमिशन नहीं है. अच्छा एक बात बताइए, ये जो रिपेयर या मेंटेनेंस का काम होता है किसी भी कब्र को देख रेख करने का काम होता है, चाहे मार्बल लगाना हो या उसे सजाना हो, तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेता है? फैमिली लेती है, ट्रस्ट लेती है? फैमिली जामे मस्जिद में राइटिंग में देती है, वहाँ से परमिशन मिलती है. संदीप दौना का काम होता है. तो याकूब के परिवार वालों से किसी ने इसका देख रेख की जिम्मेदारी ली है? इसका तो इल्म नहीं है, लेकिन ये जुमा मस्जिद और बॉम्बे ट्रस्ट ऑफिस में जाएगी तो वहाँ पता चलेगा कि इसके मेंटेनेंस फीस कौन भरता है और कौन इसके बारे में ज्यादा वो करता है. इस कब्र पे अक्सर कौन? याकूब मेमनच्या कब्रीच्या सुशोभीकरणावरनं भाजपचे आमदार राम कदम यांनी उद्धव ठाकरेंवरती निशाणा साधलाय. अशा याकूब मेमनची कबर ही माननीय मुख्यमंत्री ज्यावेळेस उद्धव ठाकरे होते त्यांच्या नेतृत्वात त्यांच्या डोळ्यासमोर या कबरीचं मजारमध्ये रूपांतर होतं. त्याला मार्बल लावलं जातं, LED लाईट लावल्या जातात, तिथे पहारा ठेवला जातो. म्हणजे ज्या आतंकवाद्यानं पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून मुंबईकरांचे जीव घेतले अशा आतंकवाद्याच्या कबरची त्या काळातल्या सरकारच्या समोर मजार होते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि त्या काळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या गोष्टीचं उत्तर द्यावं लागेल. तर काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी आरोप करताना म्हणले की सगळ्यात मोठी चूक ही भाजपाची आहे, कारण फाशी दिलेल्या याकूबचा मृतदेह त्यांनी कुटुंबियांच्या ताब्यात दिला. ज्या ठिकाणी हे लोक दफन केले जातात ती जागा कोणाला तरी रेलिंग पॉइंट बांधण्याची संधी देते. मुंबई तकने जेव्हा जुम्मा मशीद ट्रस्टचे चेअरमन शोएब खातीब यांच्याशी संपर्क केला तेव्हा त्यांनी कबरीचे सुशोभीकरण झाल्याचा मुद्दा फेटाळून लावलाय. एक वीडियो ट्विटर पे है जिसमें ऐसा पता चला बड़े कब्रिस्तान में याकूब मेमन की जो कब्र है उसको मजार में तब्दील किया गया है. बिल्कुल गलत बात है ये, याकूब मेमन की कोई कब्र को मजार से तब्दील नहीं किया गया है. और याकूब मेमन की जहाँ पे कब्र है उसके अंदर कम से कम 17 से 18 कब्र और है. हाँ. और इस तरीके की कब्रें जो बनाई जाती है मजार वो बिल्कुल उसकी तरह इजाजत नहीं देती है. हाँ.
और लाइटिंग लगाई गई है कब्र के ऊपर, लाइटिंग लगाई गई है, वो पूरे कब्रिस्तान को बड़ी रात के ताल्लुक से सजाया जाता है शबे बारात के अंदर। ये उस वक्त की वीडियो है, किसी ने उसको शरारत के तौर पे और ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए इस तरीके की हरकत किया। मार्बल की जो बात की जा रही है, वो मार्बल कौन से साल में लगाए गए हैं? मार्बल ऐसे बड़े कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रें हैं जो ऊंचाई पर है, जो जमीन से 4 फीट ऊपर पे है, तो उनको बाउंड्री बनाकर कहीं पे मार्बल लगा दी थी। ट्रस्ट ने किसों की इजाजत दी थी 4-5 साल पहले कुछ लगे, उससे पहले लगे। तो ये मार्बल लगाना एक अलग इशू है, और ये जो चीजें चलाई जा रही है ट्रस्ट के लिए और ये याकूब मेमन के ताल्लुक से, तो याकूब मेमन को कोई स्पेशल ट्रीट नहीं किया गया है कि याकूब मेमन की कब्र के ऊपर मजार बनाई गई है, मार्बल लगाया गया है। ठीक है जी, जी। और ये जो बाउंड्री वॉल है, ये कब्रें किसकी है, मतलब कोई फैमिली का होता है ये? नहीं, ये रिजर्व फैमिली का ऐसा किसी के होते रहते नहीं है, ये आस्था का वो एक वो मामला रहता है। दूसरे जो कब्रें लोगों के रहती है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा 2-3 साल के लिए वो लोग मेंटेनेंस के तौर पर रिजर्व करते हैं, बाकी ऐसा किसी का होते रहते नहीं। या प्रकरणात जी ताजी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार याकूबच्या कबरीवरील LED लाईट्स पोलिसांनी काढून टाकल्या आहेत। पोलिसांनी तर बडा कब्रिस्तानमध्ये जाऊन वस्तुस्थिती तपासल्याची माहिती मिळते, तर आता BMC चे अधिकारी देखील कब्रिस्तानमध्ये जाऊन पाहणी करणार असल्याची माहिती आहे।